दिन आठवां, कृष्णगिरी से नामक्कल। आज का हमारा 162 किलोमीटर का कृष्णगिरी से नामक्कल सफर। हर रास्ता एक सफर चाहता है, हर मुसाफिर एक हम सफर चाहता है, जैसे चाहती है चांदनी चांद को। हम हैं जो नए साल में रामेश्वरम जाना चाहते हैं। इस उम्मीद के साथ आज का सफर हमने 4:30 बजे शुरू किया। आज से आगे के 3 दिन हमें कम से कम 160 किलोमीटर साइकिल चलानी थी, तब जाके हम नए साल के पहले दिन रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। शहर के बाहर आने के बाद फॉग बहुत था, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फॉग के वजह से धुंधला सा नजर आ रहा था, इसलिए हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा। थोड़ा बहुत फॉग कम हो गया और हमने हमारा सफर जारी रखा। चुके थे और हम नाश्ता करने के लिए अन्नपूर्णा होटल में रुक गए। अब सड़क 3 की बजाय 2 लेन थी, इसलिए हमें साइकिल थोड़ी सी सावधानी से चलानी पड़ रही थी। हरे भरे खेतों को देखकर हमारा सफर जारी था। इस बड़े विशालकाय ट्रक की ओर हमारी स्पीड मिलती जुलती थी, इसलिए कभी वह आगे होता था और कभी हम आगे होते थे। ज्यादा थी, इसलिए हम नारियल पानी पीने के लिए रास्ते में रुक गए। जंगल का इलाका था, लेकिन हमें सिर्फ बंदर ही दिखाई दे रहे थे। रास्ते में बहुत दूरी तक ढलान थी, इसलिए साइकिल ने बहुत स्पीड ले ली थी। सड़क पर बहुत लोग पैदल जा रहे थे, हम उत्सुकतावश उनसे बात करने के लिए रुक गए। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैदराबाद से शबरीमाला। कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद से शबरीमाला। कहाँ पे? केरला में। अयो, कितना डिस्टेंस है टोटल? टोटल अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर। सही। एंड पैदल? गुड। हैट्स ऑफ यू। स्वामी सिंधु। थैंक यू सर। उनसे बातचीत करने के बाद हमने हमारा सफर जारी रखा। Thank you.
सुबह के 11 बज रहे थे और सेलम शहर अभी भी 22 किलोमीटर दूर था। सेलम हवाई अड्डे पर जाने वाले रोड के पास हमने रास्ता सुरक्षा का अभियान किया। बज रहे थे और हम दोपहर के भोजन के लिए एक होटल में रुक गए। भोजन के बाद हमने हमारा सफर जारी रखा। अब बस इधर उधर की खेती, पहाड़ों को देखकर हमारा सफर जारी था और हम नामकल आने का इंतजार कर रहे थे। करीब 7:30 बज गए और हम नामकल शहर के पास आ गए थे। वहां पर हम CSM लॉज में रुक गए। वेज होटल न मिलने के कारण हमें चाय और दूध के साथ रात्रि का भोजन किया। इसी के साथ हमारा 8वां दिन 162 किलोमीटर का साइकिल सफर तय करके समाप्त हुआ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही बाकी सफर के दिलचस्प वीडियो अपलोड करेंगे।